हेलो, आज हम बात करेंगे अधिगम की कठिनाइयाँ यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज या लर्निंग डिफिकल्टीज। अधिगम में जो होने वाली असक्तता होती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं ये अधिगम क्या होता है। तो अधिगम से तात्पर्य हमारा होता है सीखने से। तो सीखने में जो भी प्रॉब्लम्स हमको फील होती है या किसी बच्चे को फील होती है उसको बोलते हैं अधिगम असक्तता या लर्निंग डिफिकल्टीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी आपने बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट और अदर जो टीटी एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत पूछे जाते हैं कि कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोई बच्चा इसी समस्या से ग्रसित है, उसको ये समस्याएं फील हो रही है, तो इनमें से उसको कौन सी डिफिकल्टीज है, कौन सी डिसेबिलिटी है, या फिर ये इस डिसेबिलिटी से ग्रसित जो बच्चा होता है उसको क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो हम वन बाय वन उनके बारे में, सबके बारे में बात करेंगे और किस किस तरह के क्वेश्चन उन पे बनते हैं तो उसको देखेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ये अधिगम असक्तता होती कितने प्रकार की है। तो यहाँ पे मैंने चार प्रकार की असक्तताएं जो हैं वो बताई हुई हैं। तो सबसे पहले है मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी असक्तता, तो ये है अफेजिया एंड डिस्फेजिया। दूसरी है पढ़ने की असक्तता, एलेक्सिया एंड डिसलेक्सिया। तीसरी है लिखने की असक्तता, अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिसग्राफिया एंड एसिम्बोलिया और डिप्रेक्सिया। चौथी है गणित संबंधी असक्तता, तो वो है आपकी डिसकैलकुलिया। तो सबसे ज़्यादा इन सब में जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया एंड अफेजिया। ठीक है, इन सब में से ही सबसे ज़्यादा अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, लेकिन हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया का जो संबंध होता है पठन विकार से, यानी जब भी किसी बच्चे को पढ़ने से संबंधित कोई कठिनाई होती है तो वो डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है। इस अधिगम असक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। देख लीजिए, ये बोल दिया गया है पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि जो कई बार बच्चा होता है वो कुछ अक्षरों जैसे बी और डी में विभेद नहीं कर पाता। एक बार एक क्वेश्चन भी आया कि एक बच्चा न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो वो इसमें से किस अधिगम असक्तता से ग्रसित है, तो उसका आंसर था डिसलेक्सिया। और जो बच्चे होते हैं वो सौ को वर्स, न्यूक्लियर को अनक्लियर, इस तरीके से वो शब्दों में अंतर नहीं कर पाते हैं। अब एक ही सीटेट 2012 का क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश डैश की समस्या से संबंधित है, सुनने, बोलने, पढ़ने, बोलने व सुनने। तो हम यहाँ पे बात कर चुके हैं जो डिसलेक्सिया है वो है एक पठन विकार है, यानी पढ़ने से संबंधित कठिनाई से संबंधित विकार है। तो इसका आंसर था पढ़ने से संबंधित। दूसरा है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया होता है जब भी किसी बच्चे को लिखने से संबंधित कोई कठिनाई होती है तो वो डिसग्राफिया से पीड़ित होता है। ये जो है लिखने संबंधी असक्तता है, इसमें या तो बच्चे ठीक से नहीं लिख पाता या उसकी लिखावट ठीक नहीं होती। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब किसी बच्चे की लिखावट बहुत बुरी तरीके से ख़राब है तो भी वह डिसग्राफिया से ग्रसित होता है। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या उंगलियों संबंधित गड़बड़ी से होता है। जब किसी उसकी हाथ में, हथेली में या फिर उसकी फिंगर्स में किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो भी वह डिसग्राफिया से ग्रसित हो सकता है। इसके अतिरिक्त जब किसी बच्चे के मस्तिष्क में मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण भी यह अधिगम असक्तता संभव है। अब बात करते हैं डिसकैलकुलिया के बारे में। तो डिसकैलकुलिया जो होता है इसमें बच्चे को गणित, मोस्टली अंकगणित जो है, अंकगणित है, उसको समझने में कठिनाई फील होती है। जब भी बच्चे को गणित से संबंधित किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो डिसकैलकुलिया से ग्रसित होता है। इसे न्यूमिलेक्सिया भी कहा जाता है। और जो डिसकैलकुलिया के कुछ टाइप्स हैं वो है ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया एंड वर्बल डिसकैलकुलिया। अब है अफेजिया। तो भाषा एवं संप्रेषण अधिगम असक्तता को अफेजिया कहते हैं। तो इसका सिंपल जो है अफेजिया वो होता है जब बच्चों को बोलने में किसी तरह की कठिनाई होती है, उसको भाषा संबंधित जो संप्रेषण होता है अपना उसमें प्रॉब्लम होती है तो उसे बोलते हैं अफेजिया। तो पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई अनुभव करता है। जो भी छात्र होता है वो मौखिक रूप से जब भी उसको
कुछ भी अपनी बात को कहने में प्रॉब्लम होती है तो वो अफेजिया से ग्रसित होता है। और ये जो सामान्यतः ये बीमारी होती है, ये मस्तिष्क में किसी क्षति से उत्पन्न होती है। और मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता को डिस्फेजिया कहते हैं। अफेजिया के ही अंदर आता है डिस्फेजिया, जब किसी प्रकार की क्षति के कारण बच्चा या तो थोड़ा या फिर पूर्णता बोलने में अक्षम हो जाता है, तो उसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। अभी हमने चार इम्पॉर्टेंट जो डिसेबिलिटीज़ थी उनके बारे में हमने बात कर ली है, डिफ़िकल्टीज थी उनके बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं हम, ये कुछ दो चार और हैं, इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। अब बात करते हैं एलेक्सिया की। तो एलेक्सिया क्या होता है? मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, पढ़ने की ही एक प्रकार की अक्षमता है जिसे बोलते हैं एलेक्सिया। इसे शब्द अंधता या पाठ्य अंधता या फिर विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। एलेक्सिया के कारण अफेजिया या डिसग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है कि कई बार एलेक्सिया से जो पीड़ित बच्चा होता है वो अफेजिया और डिसग्राफिया से भी पीड़ित हो, लेकिन हर टाइम यह जरूरी नहीं है। अब है अप्रेक्सिया। तो अप्रेक्सिया एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशल। सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म गति कौशल क्या होते हैं। तो सूक्ष्म गति कौशल होते हैं जैसे लिखना, चलना, टहलना, बोलना, जो भी मांसपेशियों से संबंधित गतिक होते हैं, जो मांसपेशियों द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, तो अप्रेक्सिया में क्या होता है, जो मांसपेशियों के संचालन से संबंधित कौशल होते हैं उनमें हम बच्चे को या फिर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, जैसे लिखना, चलना, टहलना, बोलना, इन सब में वह निपुण नहीं हो पाता। अब इसका कारण है मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण। तो सेरेब्रम जो है वो मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होता है, और कई बार इसमें जब कोई चोट या क्षति होती है तो उससे बच्चे को अप्रेक्सिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब अप्रेक्सिया का एक भाग है डिस्प्रेक्सिया। तो इसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशलों में निपुण नहीं हो पाता, लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वह अपने हाथ व आंखों के बीच, उसके हाथ कुछ और कार्य कर रहे होते हैं और आंखें कहीं और देख रही होती हैं, उनके बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। ये भी जो है तंत्रिका संबंधी विकार है। अब है आपका डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया जो होती है एक गंभीर तनाव की अवस्था होती है, जब बच्चे को सीवियर डिप्रेशन हो जाता है तो वो डिस्थीमिया से ग्रसित होता है। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। तो ऑब्वियस है, जब बच्चा बहुत अधिक डिप्रेशन से गुजर रहा होगा, बहुत अधिक तनाव से गुजर रहा होगा, तो उसके अधिगम पर प्रतिकूल बुरा प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इस अवस्था में व्यक्ति की मनास्थिति हमेशा निम्न रहती है। तो डिस्थीमिया आपको याद रखना है कि ये डिप्रेशन की अवस्था है। अब लास्ट है आपका डिसमॉर्फिया। तो डिसमॉर्फिया एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर का कुछ अंग बहुत या तो बहुत छोटे हैं या फिर अपूर्ण है। तो डिसमॉर्फिया जो है इस भ्रम विकार है एक, जिसमें व्यक्ति को ये ऐसा भ्रम होगा कि मेरा जो शरीर का अंग है वो या तो बहुत छोटा है या फिर है ही नहीं, अपूर्ण है, और वो इस वजह से अपने शरीर के अंगों की तुलना लोगों से करने लगता है। और उसका जब तुलना करेगा तो उसका फिर प्रतिकूल प्रभाव अधिगम पर पड़ेगा। जब वो पाएगा कि मेरे शरीर की उंगलियां हैं वो लोगों के शरीर की उंगलियों से छोटी हैं, तो इस वजह से उसका प्रतिकूल प्रभाव फिर उसके अधिगम पर पड़ने लगता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए गुड लक फ्रेंड्स।